हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, जिसके अंदर हम दो पॉइंटर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर्स में कवर कर लिया है, तो आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है ये वाले चैप्टर का। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है आपके पास, द मूवमेंट फिजल आउट्स, और दूसरा द मूवमेंट टर्निंग पॉइंट, वो कैसे बना, तो वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट में देखते हैं कि क्या हुआ। तो जब 1908 में एक ओपन फेस जो है वो स्टार्ट हो गया मूवमेंट का, जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी फेसेस जो है वो स्टार्ट हो गए, जो कि डिफरेंट थे, जो कि अर्लियर चल रहे थे उससे, ठीक है। इसके अंदर क्यों ये ऐसा स्टार्ट हो गया फेस, उसके दो रीजंस थे। क्योंकि सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन हो रहा था, कि जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो रिप्रेस कर रही थी, ठीक है। और दूसरा, मूवमेंट फेल टू क्रिएट अ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो ये दो थे ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो इनका तरीका था वो इतना सही नहीं जा रहा था, कि गवर्नमेंट उसको जो है वो ये कुछ भी बात कहते थे तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। तो इनके जो तरीके थे वो फेल हो रहे थे, इसलिए जो है वो एक न्यू फेस जो है वो सामने आया। उसके बाद क्या होता है कि जो ये जो थे ना, ये गांधीयन पॉलिटिक्स को लेके चलना चाहते थे। उस टाइम पे गांधी जी आए तो नहीं थे, लेकिन गांधीयन पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड थे इनके व्यूज, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन करना, पैसिव रेजिस्टेंस हो गया, आपका फीलिंग ऑफ द ब्रिटिश जेल्स, मतलब कि अगर वो बॉयकॉट कर देंगे सबको तो ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देंगे, तो सारी जेल्स भर दें हम, लेकिन आपका हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो सोशल रिफॉर्म्स, कंस्ट्रक्टिव वर्क, इन सब तरीकों पे, मतलब गांधीयन आइडियाज़ पे ये चला करते थे। लेकिन इनकी जो टेक्निक्स थी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं हुई, और बाद में जाके क्या होने लगा कि ये जो इनके तरीके थे, इनका जो मूवमेंट था वो लीडरलेस हो गया। क्यों लीडरलेस हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स को तो जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता था, नहीं तो फिर डिपोर्ट कर दिया जाता था, ठीक है। और ज़्यादातर 1908 तक ये अरेस्ट एंड डिपोर्टेड हो गए थे। एंड बाद में जाके इसी में क्या होता है कि जो अरबिंदो घोष जी होते हैं और बिपिन चंद्र पाल होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं अपने एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो उससे भी इनमें मूवमेंट में जो है वो डाउनफॉल आता है। तो इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है, अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल जो है वो अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरनल जो चीज़ें चल रही थी, जैसे कि इसमें सूरत सेपरेट में आप देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि 1907 में हुआ था। तो ये भी चीज़ें जो इंटरनली मैटर जो चल रहे थे वो भी हार्म पहुंचाते हैं किसको, मूवमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। उसके बाद मूवमेंट जो था वो इनके जो विचार थे वो सही नहीं उतर पा रहा था, क्योंकि ये इनके तरीके, मैंने पहले भी आपको बार बार बता रही हूँ कि इनके तरीके जो थे वो एकदम शांत स्वभाव के थे, मतलब कि वॉयलेंस नहीं करना, ऐसी ऐसी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ये जो इनके जो मूवमेंट था वो ज़्यादा दूर तक, मतलब मासिस तक नहीं पहुँच पाया। मासिस में जैसे आपका पीजेंट्री आ गया, तो पीजेंट्स तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाया, ओनली कहाँ तक कन्फाइंड रहा आपका, अपर एंड द मिडल क्लास, ठीक है, लोअर क्लास तक भी नहीं ये पहुँचा। और ज़मींदार हो गए यहाँ तक पहुँचा, मतलब अपर क्लास, मिडल क्लास, ज़मींदार, बस यहीं तक ही पहुँच पाया, और प्रेजेंट्री तक पहुंचने में ये फेल हो गया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस की हमने पहले ही बात की, यही इनके मेन आइडियाज होते थे। उसके बाद डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मास बेस्ड मूवमेंट एट द हाई पिच फॉर द टू लोंग, अगर ये मासिस तक किसी तरीके तक पहुंच भी जाते थे तो लॉन्ग टाइम तक जो है इन उनसे ये कांटेक्ट में नहीं रहते थे, थोड़ी सी जगह पर ही, एक ही जगह पर ही ये अपना सस्टेन करके रखते थे। तो मासिस तक अगर किसी भी मूवमेंट को हमने सामने लेके आना है ना, तो उसके लिए मासिस की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस चीज़ में वो मतलब पीछे चल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया फर्स्ट पॉइंट पे। अभी हम आगे चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, जो कि बात करता है मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट, ये कैसे बना, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले ही हमने बात की, ये प्रूफ हो चुका था कि लीप फॉरवर्ड जो है वो हमें आगे चलना पड़ेगा इन मैनी वेज देन द वन जो हम चल रहे हैं। और उसके बाद जो अनटच्ड सेक्शंस थे, जैसे कि आपके हो गए स्टूडेंट्स, वुमेन्स,
और कुछ अर्बन एंड रूलर के जो पॉपुलेशन थी उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर हमने जो है मूवमेंट को बहुत आगे तक लेके चलना है, तो इन सब का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसे कि वो पहले चल रहे थे पिटीशंस एंड प्रेयर्स एंड पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, इन सब से अब बात नहीं बनने वाली थी। इसलिए कुछ जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इसलिए भी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो सामने निकल कर आते हैं। एंड रिचनेस ऑफ द मूवमेंट जो थी वो ओनली कन्फाइंड नहीं थी इस चीज़ से कि पॉलिटिकली ही वो करेगा, लेकिन नहीं बल्कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री, इन सब में भी मूवमेंट, इस मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में अगर हमारे खुद के आर्टिस्ट जो है वो पार्ट लेंगे, अगर हमारे खुद की लिटरेचर जो है वो स्ट्रोंग होगी, ठीक है, अगर हम खुद पे खुद से साइंस के ऊपर फोकस करेंगे, तो इन सब से स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रोंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली पॉलिटिकली ही नहीं इस चीज़ से फ़ायदा मिला, बल्कि इन सभी चीज़ों से, मतलब आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री, इन सब से जो है स्वदेशी मूवमेंट एक स्ट्रोंगली सामने निकल के आया। उसका स्वदेशी जो कंपेन था उसमें जो भी वो कॉलोनियल आइडियाज से सीखा करते थे वही वो स्वदेशी में भी इन्वॉल्व किया करते थे एंड बॉयकॉट कर देते थे जितने भी फॉरेन गुड्स वगैरह होते थे उनको। तो जो फ्यूचर स्ट्रगल था वो हैवली फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड गेन था। ब्रिटिशर्स से जैसा भी हमने सीखा वैसा ही हमने उन्हीं पर ही थोप के स्वदेशी मूवमेंट को चालू कर दिया, ठीक है। तो कमिंग ऑफ स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि जो मॉडरेट्स थे वो एक तरह से साइडलाइन हो गए, क्योंकि क्योंकि वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वॉयलेशन हो, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन, ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ों पे वो करते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको तो, वो थोड़े गुस्से स्वभाव वाले थे तो उनको जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो वो ये कहते थे कि अगर एक कोई वॉयलेशन करता है तो हमें भी उसका वैसे ही जवाब देना चाहिए। तो देयर फेलियर टू वर्क अमंग द मासेस हैड मीन्ट दैट देयर आइडियाज डिड नॉट टेक द रूट अमंग द मासेस। ये किसकी बात चल रही है? आपकी, मॉडरेट्स की, क्योंकि मॉडरेट्स का जो प्रोपोगंडा होता था वो सिंपली ही होता था और मेनली वो मासेस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता था। नो ऑल इंडियन कैंपेन्स ऑफ स्केल स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट है ऑर्गेनाइज अर्लियर बाय द मॉडरेट्स, और उनके जो कैंपेन्स थे वो डिस्कवर्ड दे उसमें डिस्कवर किया दैट दे वर नॉट इट्स लीडर विच वॉज रादर द नेचुरल्स, ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रीम, ये हमने बात की किसकी, मॉडरेट्स की, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जो है ओपन मेंबर्स होते थे, सीक्रेट सिंपथेसिस जो थी उसको वो अपोज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि सिंपथी से हम जो है अपनी बातें मनवाएं, ठीक है। और वॉयलेंस अगर कोई कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे इसमें जो लीडर्स आते थे वो उनके भी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे अरबिंदो हो गए, ठीक है, अरबिंदो घोष हो गए, तिलक हो गए, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, अभी हमने बात की थी इन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली थी एक्टिव पॉलिटिक्स से इसीलिए भी ये स्लो डाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय, तो इनके गोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि हमें कैसे जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। तो तिलक के लिए ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि तिलक के लिए जो स्वराज था, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर मेन फोकस किया, और जो अरविंदो थे, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात तिलक ने की थी एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, ये किस टाइम पीरियड की बात चल रही है, 1907 से पहले की बात, ठीक है। अभी सूरत सप्लिट हमने नहीं पढ़ा, ये उससे पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में अरविंदो ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी फ्रॉम द फॉरन रूल। उसका पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लेवल पे ये एम्फोसाइज करते थे कि हमें जो है, मतलब स्वदेशी मूवमेंट में, कि हमें जो है मासेस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कौन कह रहा है? एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि हमें मासेस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है वो हमें इनको साथ लेके चलेंगे, तभी हम जो है इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी सोसाइटी को। तो इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, पेट्रियोटिज्म की भावना जो है, देश प्रेम की भावना, वो जगाई लोगों के अंदर, मासेस के अंदर, ठीक है। इसी को बोला गया सर्विस एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। अगर हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो वही हमारी सर्विस होगी और वही हमारा सेक्रीफाइस होगा, किसके लिए, अपने देश के लिए।
उसके बाद तिलक ने ये भी अपोज किया, क्या चीज अपोज की, एज ऑफ द कंसेंट बिल, तो इसको भी अपोज किया। तिलक के तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किए, जैसे कि आपका वो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल को ज़्यादातर कहाँ स्प्रेड किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र में, पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, मतलब जब तिलक ने किया था तो तब तो महाराष्ट्र में था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया अब जो है ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो मनाया जाता है। तो ये तिलक की ये दोनों फेस्टिवल्स को वाइड स्प्रेड करवाने में भी तिलक का हाथ था। और जो एज ऑफ कंसेंट बिल थी उसमें, और साथ ही साथ में जो इसमें क्या था कि मैरिजेबल एज जो थी वो गर्ल्स की वो 10 ईयर्स से बढ़ाकर 12 ईयर्स कर दी गई। तो रिफॉर्म सोसाइटी में लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और तिलक के क्या जो है वो आते हैं, किस चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया, तो एंटी काओ किलिंग कंपेन्स, ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने साथ दिया। तो इनको कैसे पोर्ट्रेट किया जाने लगा, हिंदू नेशनलिस्ट, वैसे ही बिपिन चंद्र पाल को एंड अरबिंदो घोष को भी वैसे ही बोला जाने लगा, ऑफ द हिंदू नेशन एंड हिंदू इंटरेस्ट में ये बात करते थे। लेकिन आगे चल के रिवाइवलिस्ट एंड द जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैक्टिक्स थे, किसके, एक्सट्रीमिस्ट के, वो डायरेक्टेड थे अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स एंड प्रमोट करते थे अनहेल्दी रिलेशनशिप, किसके अंदर, एक तो पॉलिटिक्स जो चल रही थी उसके अंदर एंड एक रिलीजन के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रही थी। उसके बाद बिटर हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इंडियंस के साथ स्टार्ट हो जाते हैं ब्रिटिश के, जो कि फिर आगे काफ़ी आगे तक ऐसा ही चलता रहता है। तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड उसके अंदर कैसे ये मूवमेंट फिजल आउट किया एंड कैसे इसमें टर्निंग पॉइंट आता है, कि पहले टर्निंग पॉइंट तो यही आ गया ना कि पहले तो मॉडरेट्स इसको लेके चल रहे होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट अपने तरीके से चलते हैं, वो मासेस तक लेके जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गणपति फेस्टिवल्स, ये शिवाजी फेस्टिवल्स, ये जो है वाइट स्प्रेड करवाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूरज स्प्लिट देखेंगे, उसमें 3 पॉइंटर्स देखेंगे एंड तब तक आप वीडियोस को बार बार रिपीटर्स पे देखते रहिए। थैंक यू।